बुरहानपुर जिले के लालबाग क्षेत्र में रहने वाली रेखा परदेसी अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहती है। इसके लिए वह फुटपाथ पर चप्पल जूते सिलकर अपनी बेटी की पढ़ाई पूरी करने के साथ अपने घर परिवार का खर्च चला रही है। रेखा का विवाह होने के बाद उसका तलाक हो गया था। तब से रेखा और उसकी बेटी अपने नाना के यहाँ पर रह रहे हैं। रेखा ने अपने पिता चंपालाल परदेसी से चप्पल और जूते सिलने का हुनर लिया। रेखा पिछले 5 वर्षों से फुटपाथ पर बैठकर चप्पल जूते सिलकर रोजगार के साथ बेटी की पढ़ाई करा रही है। रेखा की बेटी नेहा कक्षा 11वीं में बायोसाइंस की पढ़ाई कर रही है, जिसके बाद उसका भी कहना है कि माँ यदि मुझे डॉक्टर बनाने का सपना देख रही है तो मैं भी माँ के सपने को पूरा करने की प्रयास कर रही हूँ और उसके लिए ही आगे की पढ़ाई भी करूँगी। अब पूरे परिवार ने जिला प्रशासन से भी मदद की गुहार लगाई है। परिवार का कहना है कि यदि पढ़ाई के लिए कुछ सहायता होती है तो मैं स्वयं डॉक्टर बन जाऊँगी, ताकि मैं मन लगाकर पढ़ाई करूँगी, मुझे किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी। रेखा परदेसी ने जिला प्रशासन से गुमटी मिले इसकी भी गुहार लगाई है। महिला का कहना है कि मैं यहाँ पर बैठकर अभी हजारों रुपये महीना कमा रही हूँ, यदि मुझे गुमटी मिलती है तो मेरा व्यवसाय और बढ़ जाएगा। रेखा अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बनी हुई है। इनसे अन्य महिलाएँ भी व्यवसाय शुरू करने के लिए जानकारी लेने के लिए पहुँच रही है। आप क्या बनना चाहते हो और आपकी मम्मी क्या काम कर रही है? मेरी मम्मी चप्पल जूते सिलने का काम करते हैं। क्या आप डॉक्टर बनना चाहते हो? कुछ मदद मिले तो आपको सरकार की ओर से। हाँ, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, सरकार की तरफ से अगर कुछ मदद मिले तो। आपका सपना है डॉक्टर बनने का, मम्मी का भी सपना है, इसलिए मम्मी भी काम कर रहे हैं आपके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहा है। सिलाना आया हो? ये रेखा दीदी का लिए। अच्छे से सिलते हैं ये? अच्छे से सिलते हैं। और अन्य महिलाएं भी आती हैं? अन्य महिला भी आती हैं। यहाँ पर सिलाने लोग आते हैं, बैग चेन सब लगाने आते हैं। कम पैसे भी लेते हैं? हाँ, कम लेते हैं, ज्यादा नहीं लगाते। क्या नाम आपका? दुर्गा। मेरा नाम रेखा परदेसी। आप क्या काम करते हो? ये मैं मोची का काम करती हूँ। आप जिले की पहली महिला हो, मोची का काम कर रहे हो, और कैसे आपको ये प्रेरणा मिली और आपने काम शुरू किया? क्यों कर रहे हो ये काम इतना? देखिए, मेरे तलाक हो गई थी भैया मेरी, 20 साल हो गए मेरे को। मैं पापा के घर में आती तो पापा को देख के ही, यानी उनसे सीख के, पापा के जरिए मेरे को प्रेरणा मिली मैं ये काम। क्या नाम है आपके पिता जी का? मेरे पापा अपनी ध्यान के, मेरे पापा का नाम जी, उनसे प्रेरणा। मेरे पिताजी का नाम था चंपालाल परदेसी। आप आपकी बेटी को क्या बनाना चाहती हो? जी, मैं मेरी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहती हूँ, इसलिए आप ये इसके काम लिए मैं ये काम करूँगी। आपने कितने का लोन लिया था पहले? और जी, मैंने पहले 10,000 का लोन ली थी, वो चुका दिया। वो चुका दी, उसके ही जरिए मैंने ये काम चालू। अब अच्छा, मतलब अच्छा जी, मैं अच्छा रोजगार कमा लेते जी, रोजगार अच्छा। बेटे को डॉक्टर बनाने का सपना है। क्या नाम है बेटी का? मेरी गुड़िया का नाम नेहा है। और आपका नाम? मेरा नाम रेखा है। ये मैं रेखा परदेसी लगाती हूँ पापा के सभी। चप्पल जूते सिलती? मैं चप्पल जूते सिलती हूँ, बैग वगैरह में चेन लगाती हूँ। जिले की पहली महिला भी हूँ, किस तरह का काम करूँ? जी, मैं जिले की पहली महिला हूँ और मेरे से बहुत से लेडीज प्रेरणा भी ले रही है। पूछने भी आते हैं कि कैसा काम करते हो? आते हैं, बहुत से लेडीज आते हैं। और आप उनको जानकारी भी देते हो? जी, जानकारी देती हूँ। फुटपाथ पे लगाते हो? दुकान कहाँ लगा रहे हो आप अभी? यही फुटपाथ पे लगाती हूँ, लालबाग ये स्टेशन के सामने। और मैं चाहती हूँ कि मेरे को सरकार की तरफ से गुमटी मिले। क्या करती है काम और क्या इनसे लोग की प्रेरणा देते हैं? सर्वप्रथम तो मेरा नाम राजू फरतड़े है और मैं यहाँ शिवाजीनगर का निवासी हूँ। ये बहन काफी सालों से मैं देख रहा हूँ, काफी मेहनत कर रही है। आर्थिक स्थिति दीदी की सही नहीं थी और पारिवारिक कलह होने की वजह से इनका तलाक हुआ है। वापिस माँ बाप के यहाँ आई है और माँ बाप के यहाँ आने के बाद में पिताजी के मार्गदर्शन में ये बहन ने काम सीखा है और काम सीख के अपने जीवन यापन कर रही है और अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाह रही है। और मेरा सरकार से अनुरोध है, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा इनसे निवेदन है कि हमारी बहन को अच्छे से अच्छी मदद आपकी तरफ से किया जाए। और इसी के बस, मेरा नाम राजू फरतड़े है।